सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंच गया है। वाओ, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये भाई नीदरलैंड की वजह से मुमकिन हुआ, अदरवाइज जो है ये मुमकिन नहीं था। तो नीदरलैंड के और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैच था उसमें 158 रन नीदरलैंड ने मारे थे और उनकी बेहतरीन बॉलिंग नज़र आई नीदरलैंड की। उन्होंने सिर्फ 145 रन तक जो है साउथ अफ्रीका को जाने दिया और ये मैच 13 रन से जीता। ये उन्होंने नहीं जीता बल्कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने शायद जीता है, तो हमारे लिए ये एक मौका बन गया था। तो बांग्लादेश से ये मैच जीतना चाहिए था बादशाह नहीं, लेकिन हमारे दोनों ही ओपनरों ने वो वैसी हर रन डर्मी दिखाई जैसे वो पिछले मैचों में दिखाते रहे, मीन्स के स्लो, किसी ने भी स्लो करने की कोशिश ही नहीं की। उसके बाद मैं हारिस मोहम्मद हारिस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, शान मसूद ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो एक अच्छी परफॉर्मेंस थी ये ओवरऑल सवाल हमारे दोनों ओपनर के। सो थैंक गॉड वी आर इन फाइनल। अब चांसेस जो हैं हमारे फाइनल के भी हो सकते हैं इंडिया के साथ, अगर हम दोनों अपने सेमीफाइनल जी जाते हैं उसके चांसेस कितने हैं ये तो अब वक्त ही बताएगा। हार से यार जो शॉट लगाई थी ना ये वाली इधर से, मुझे वो बहुत मज़ा आया था कि पूरा उसने फ्लिक किया, उसने कोशिश की है कि स्कोर बनाने की। रिजवान और बाबर आजम चलो आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसका इंटेंट भी नहीं है। उसको चाहिए कि अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही ओपनर पर, भाई पीछे आ जा, पीछे क्या मर जाना है तूने, पीछे वन डाउन आ जाए, ऊपर हारिस को भेज दिया जिसने पिछले मैच में भी जो है 11 बॉल पर 28 रन अच्छा खेला था, लेकिन नहीं समझ आ रही उसको, पता नहीं क्या समझ रहा है वो। इस वक्त जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा जो है हसीन है और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, शायद हमें इसलिए ज़्यादा हसीन लग रहा है। अच्छी परफॉर्मेंस थी ओवरऑल, बॉलर ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की, शादाब एक बार फिर दो विकेट्स जो है ली हैं उसने, तो डेफिनेटली इज ऑलवेज परफॉर्म वेल एवरी मैच और हर मैच के साथ साथ वो शाइन हो रहा है एज अ ऑलराउंडर। बाबर आजम को चाहिए कि वो वन डाउन पे आ जाए, भाई T20 में तो वन डाउन पे आ वो बेहतर है तेरे लिए, अगर तू चाहता है कि लंबी क्रिकेट खेलना चाहे और लोगों की लोग तुम्हें तनकीद ना करें, क्रिटिसाइज ना करें, तो बेहतर है कि तू नीचे आ जा, कुछ नहीं होने लगा, तेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, तुझ पर प्रेशर कम हो जाएगा। और T20 की कैप्टनी मुझे लग रहा है इससे इसको चाहिए छोड़ दे, इसकी बैटिंग को बड़ा अफेक्ट कर रही है, इसकी परफॉर्मेंस को बड़ा अफेक्ट कर रही है। आज भी जो है मुझे कोई कैप्टनी इतनी अच्छी नहीं लगी मोहम्मद नवाज से, पिच को पिच पिछले मैच की तरह फिर इस मैच में भी बॉलिंग अच्छी तरह नहीं करवाई गई, उसको यूटिलाइज नहीं किया गया जिस तरह करना चाहिए। अच्छा वो भी एक पैकेज है ऑलराउंडर, लेट्स सी कि अब कैसे ये परफॉर्म करते हैं, जब टाइम बताएगा कि ये परफॉर्म कैसे करते हैं। ओवरऑल मैच का बड़ा मज़ा आया मुझे, पहले बैटिंग के जो 10 ओवर थे पाकिस्तानी दोनों ओपनर खेल रहे थे वो यार मुझे बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा दिला रहे थे। मैच देख रहा था और बीच में से मुझे गुस्सा आ रहा था और मैं दिल में से रो रहा था कि क्या खेल रहे हैं, ये T20 है, इंटेंट ही नज़र नहीं आ रहा कि T20 खेल रहे हैं, जस्ट वो अपनी जगह से लग रहा है कि अपनी जगह बचा रहे। ओवरऑल जो है एक क्रिकेट मैच को परफॉर्मेंस के हिसाब से देखना पड़ता है, एज अ प्लेयर या एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस नहीं देखना पड़ती, तो इसलिए मैं ओवरऑल कहूँगा कि अच्छा क्रिकेट पाकिस्तान ने खेला, जिस तरह पाकिस्तान जिम्बाब्वे और इंडिया से पहले दो मैच हार गया था, उसके बाद नीदरलैंड के खिलाफ आसानी से मैच जीत गया था, उसमें भी ओपनर हमारे रिजवान साहब थोड़ा आगे गए थे तो वो भी मैच जो 14-15 ओवर तक जाके जीते थे, 4 विकेट्स भी जो है पाकिस्तान ने गुम की थी। उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ शादाब की बेहतरीन परफॉर्मेंस, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, विकेट भी चुटलाई उसने और 50+ 40 बॉल पे किया, उसकी वजह से पाकिस्तान के पास ये मौका बन गया कि वो सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। लेकिन उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो एक मैच हुआ था जिसमें अंपायर्स की जो परफॉर्मेंस थी वो आपके सामने है, अंपायर ने जिस तरह जो है इंडिया का साथ दिया, उनके फेवर में जो है बहुत सी चीज़ें जो है दी गई और एक बार फिर जो है विराट कोहली के कहने पर 9 बॉल दी गई, जो कि मुझे अकवर्ड लगा, अंपायर का फैसला हतमी होना चाहिए, किसी प्लेयर को ये नहीं कहना चाहिए ये क्या हो रहा है। एनीवे आपको बहुत मज़ा आया होगा मैच देखने का और मेरी वीडियो को भी देखने का बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि मेंटोर कर रहा है आजकल क्रिकेटिंग कमेंट्री, डिस्कशन होती है छोटी मोटी जिस पर मैं अपने व्यूज़ आपके सामने रखता हूँ कि मेरा दिल किस तरह जो है इस मैच को देख रहा था जब नीदरलैंड साउथ अफ्रीका से जीत गया। मैं सुबह उठा, मैंने देखा, टीवी लगाया, मैंने देखा हाँ नीदरलैंड जीत गए,
तो फिर मेरा दिल किया कि पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच देखूँ। अगर वो मैच नीदरलैंड हार जाता या साउथ अफ्रीका जीत जाता तो डेफिनेटली मैं ये मैच कभी भी ना देखता। इसीलिए मैंने ये मैच देखा, ये वीडियो बना रहा हूँ। रात को मैंने वीडियो पोस्ट की थी कि आप पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुँच सकता है और क्या पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल भी हो सकता है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इस मैच के बाद, क्योंकि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका है जो कि बांग्लादेश से जीतने के बाद हुआ है। मैच काफ़ी क्लोज चला गया था, आई थिंक ये बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए था, बट हमारे दोनों ओपनर की जो आउटस्टैंडिंग गंदी परफॉर्मेंस है वो जारी है, इसकी वजह से ये मैच इतने लंबे ओवर तक गया। अदरवाइज ये मैच जो है 15-16 ओवर में मैक्सिमम जो है ख़त्म होने वाला है। एनीवे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर एक नए दिन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक ज़ीशान को इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।